हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंटेंसेस, वाक्यों का जोड़ना। इस पॉइंट पर हम लोग सबसे पहले सिंपल सेंटेंस पढ़ रहे हैं, साधारण वाक्य। साधारण वाक्य हम लोग आठ तरह से बनाना सीखेंगे, जिसमें पहला पॉइंट चला द नाउन आर केस इन अपोजिशन। नाउन माने संज्ञा, आर माने अथवा, केस इन अपोजिशन माने समान अर्थ के मामले में। तो अभी हमने इसका एक पॉइंट आपको बताया, बड़ा पहचान इसकी बताई कि दो वाक्य होंगे, दोनों वाक्यों में से एक वाक्य दूसरे वाक्य के किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए आएगा। ठीक है, पहचान ये। अब इसके लिए एक स्टाइल आपको हम बता चुके हैं, लिंकिंग वर्ब लिख के यहां बताया था, आपको आ गया होगा समझ में, पक्का है, विश्वास है। अब इसी की दूसरी स्टाइल तैयार में, यानी कि स्टाइल नंबर दो लिखना पड़ेगा, उठा लिख लो। आगे दी टी एच ई, आगे दी पीछे ऑफ ओ डबल एफ, सॉरी ओ एफ, आगे दी पीछे ऑफ। दूसरी लाइन लिखो, वर्बल नाउन साफ है साफ, वर्बल नाउन साफ है साफ। फिर से मिला लो, आगे दी पीछे ऑफ, दी का मतलब टी एच ई, ऑफ का मतलब ओ एफ, आगे दी पीछे ऑफ, वर्बल नाउन साफ है साफ। वर्बल नाउन माने वर्बियल नाउन, वर्ब से जो बनी हुई नाउन है, दैट इज कॉल्ड वर्बियल नाउन। लिख लिया। अब देखो इसको हम सिखाने जा रहे हैं, इसे कहा बेटा डू यू नो वाल्मीकि। दूसरा वाक्य है ही रोट द रामायण। ये दो वाक्य बेटा, पहले देखो स्टाइल नंबर दो में, पहचान लो दोनों वाक्यों में से एक वाक्य दूसरे वाक्य के किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए है। तो ही रोट द रामायण, यह पूरा वाक्य किसके लिए है बेटा, वाल्मीकि के लिए। अरे वाल्मीकि ने तो रामायण लिखा, यानी कि यह पूरा वाक्य किसके लिए है, वाल्मीकि के लिए। ठीक है, अब सबसे पहला काम आपको करना है कि कर्ता बैलेंस कर लो। यहां बैलेंस कैसे करोगे, देखो यार यहां तो यू है, कोई बातें नहीं है, लेकिन यहां ही है, यह ही आया किसके लिए बेटा, वाल्मीकि के लिए। लिख लिया। अब देखो इस वाक्य में लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब मतलब इज एम आर वाज वेयर, इस वाक्य में है, इस वाक्य में है, किसी वाक्य में नहीं, तब गाड़ी फंस गई। तब ऐसी स्थिति में आपको बनाना पड़ेगा क्या बेटा, नाउन। अभी इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था केस इन अपोजिशन, अब हमको नाउन बनाना पड़ेगा। कैसे नाउन बनाओगे, देखो यार जिस वाक्य के कर्ता को आपने बैलेंस किया उसकी वर्ब क्या है, राइट, रोट, इसके ठीक पहले क्या लगाना, द, और इसके ठीक बाद क्या लगाना, ऑफ। आगे वर्ब को नाउन बनाओगे, वर्ब को नाउन बनाओगे तभी तो वर्बियल नाउन होगा। तो इसके ठीक पहले क्या लगाना, द, बाद में लगाना क्या, ऑफ, और इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है, रोट की फर्स्ट फॉर्म, राइट, उसमें लगा दो ई ऑफ, राइटर। अब यह बन गया बेटा द राइटर ऑफ द रामायण, बन गया। अब यह जो बना इसी को वर्बियल नाउन बोलते हैं। लड़के ने कहा गुरुजी वर्बल नाउन कौन सा नाउन है, हमने तो नाउन पांच पढ़ा है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मेटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन। तो ये गुरुजी ये वर्बल नाउन कौन सा नाउन है, तो वर्बल नाउन नाउन का कोई प्रकार नहीं बेटा, वर्ब से जो बनी हुई नाउन है, दैट इज कॉल्ड वर्बल नाउन। अब वर्बल नाउन कॉमन नाउन के तहत आती है, किसके तहत बेटा, कॉमन नाउन के तहत। तो ये जो है द राइटर ऑफ द रामायण बना ना, अब इसका कर्ता क्या है, वाल्मीकि। यह वाल्मीकि मेन वाक्य में कहीं कहीं होगा, जहां पर उसी के तुरंत बाद यहीं लिख दो,
क्या बने बेटा? डू यू नो वाल्मीकि कमा द राइटर ऑफ द रामायण बन गया बेटा। डू यू नो वाल्मीकि द राइटर ऑफ द रामायण। इसी ढंग से देखो बेटा, लिखा पीपल एप्रिशिएट विराट कोहली लोग विराट कोहली की प्रशंसा करते हैं। पीपल एप्रिशिएट विराट कोहली। दूसरा वाक्य है ही मेड ए सेंचुरी इन द ग्रीन पार्क। यह वाक्य बनाओ। अब देखो इन दोनों वाक्यों में एक वाक्य दूसरे वाक्य के किसी नाउन या प्रोनाउन के बराबर। ही मेड ए सेंचुरी इन द ग्रीन पार्क। यह पूरा वाक्य किसके लिए बेटा? विराट कोहली के लिए। ठीक है। अब सबसे पहला काम कर्ता बैलेंस कर लो। बताइए यहां पीपल लिखा है, यहां ही लिखा है। ही किसके लिए? विराट कोहली के लिए। विराट कोहली लिख लिया। आप बताइए इसमें लिंकिंग वर्ब है किसमें? किसी में नहीं है। तो जिस वाक्य के कर्ता को आपने बैलेंस किया उसकी जो वर्ब है, वर्ब क्या है? मेड। इस वर्ब के ठीक पहले क्या लगाना? द। और इस वर्ब के ठीक बाद क्या लगा देना? ऑफ। आगे दी पीछे ऑफ वर्बल नाउन साफ है साफ। और मेड की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? मेक में ई आर लगा दो। द बन गया द मेकर ऑफ ए सेंचुरी इन द ग्रीन पार्क। अब यह जो है बना जो, इसी को कहा जाता है बेटा नाउन। ये नाउन बना दिया ना मेक को, मेड को क्या बना दिया? नाउन। तो इसी को वर्बल नाउन कहते बेटा। अब इसको कहां फिट करोगे समझा दिया? तो जो कर्ता आपने बैलेंस किया इसको पहुंचा दो भैरव घाट, विराट कोहली कट गया। अब यह विराट कोहली मेन वाक्य में कहीं कहीं है, जहां पर है उसी के तुरंत बाद। पढ़ो बेटा बन गया। पीपल एप्रिशिएट विराट कोहली द मेकर ऑफ हिज सेंचुरी इन द ग्रीन पार्क। इसको यहां तो वाक्य बन जाए, बात पक्की। जैसे कहा बेटा मोहन हेल्प्ड माई डॉटर ऑन द वे। मोहन हेल्प माई डॉटर ऑन द वे। दूसरा वाक्य लिखा बेटा ही वर्क्स इन माई ऑफिस। वह मेरे ऑफिस में काम करता है। अब बताइए इन दोनों वाक्यों में पहचान लो, दोनों वाक्यों में से एक वाक्य दूसरे वाक्य के किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए आया। तो ही वर्क्स इन माई ऑफिस। यह पूरा वाक्य किसके लिए बेटा? मोहन के लिए। अरे भाई मोहन के लिए तो आएगा He works in my office. सबसे बनाया जा रहा है, पहचान समझ आ गई ना? यह पूरा वाक्य किसके लिए है? मोहन के लिए। तो कर्ता पहले बैलेंस कर लो, ही किसके लिए आ रहा? मोहन के लिए लिख दिया, मोहन लिख दिया। अब इसमें लिंकिंग वर्ब है किसमें? किसी में नहीं है। तब ऐसी स्थिति में जिस वाक्य के कर्ता को आपने बैलेंस किया उसके ठीक पहले क्या लगाना? द। और इसके ठीक बाद क्या लगाना? आप। आप लगाओ, प्रीपोजिशन एट लगा है इन, तो आप लगाने की कोई जरूरत नहीं, लगा सकते हो तो लगाओगे तो इन गायब हो जाएगा। इसलिए सीधे जब प्रीपोजिशन लगा है तो प्रीपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं है। तो वर्क की फर्स्ट फॉर्म वर्क की होगी, मैं ई लगा, ई आर लगा दो। तो बन गया द वर्कर इन माई ऑफिस।
अब द वर्कर इन माई ऑफिस का कर्ता क्या है? मोहन। मोहन मेन वाक्य में है, जहां पर है उसी के तुरंत बाद इसी जगह बनाना काम लगा के, इसी इतनी दूर में या पूरा लिख देना। क्या बना? मोहन कामा द वर्कर इन माई ऑफिस हेल्प्ड माय डॉटर ऑन द वे। बन गए, कोई कठिन है क्या? तो आगे दी पीछे आप वर्बल नाउन साफ है साफ, जैसे कहा बढ़िया डू यू नो बेटा न्यूटन, यह वाक्य डो यू नो न्यूटन। दूसरा वाक्य ही इन्वेंटेड ग्रेविटेशन, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज की। तो डू यू नो न्यूटन ही इन्वेंटेड ग्रेविटेशन, यह पूरा वाक्य बताइए किसके लिए है? न्यूटन के लिए। पक्का? तो सबसे पहले कर्ता बैलेंस कर लो, ही किसके लिए? न्यूटन के लिए। लिख दिया। अब इसमें लिंकिंग वर्ब है किसमें? तो जो ये कर, जो ये वर्ब है इसी को हम लोग बनाएंगे क्या? नाउन। इसके पहले लगा देना द, बाद लगा देना क्या? आप। आगे दी पीछे आप, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईआर। क्या हो जाएगा? इन वेंटर, तो यहां पर ई आर नहीं लगेगा, क्या लगेगा? ओ आर लगेगा। द इन्वेंटर किस तरीके होती है? द इन्वेंटर ऑफ ग्रेविटेशन, यह जो आपने बनाया यही बन गया क्या? नौ। अब इसको फिट कहां करोगे? ये न्यूटन कट जहां पे है उसी के तुरंत बाद पड़ोटा बन गया। डू यू नो न्यूटन द इन्वेंटर ऑफ ग्रेविटेशन, कोई कठिन है क्या? नोट कर लिया, एक एक पॉइंट नोट करते जाना बेटा। जैसे कहा बेटा वी शुड प्रे टू गॉड, प्रे टू गॉड। दूसरा वाक्य है ही क्रिएट्स द यूनिवर्स, क्रिएट्स द यूनिवर्स, ये लिखा वह ब्रह्मांड का निर्माता है। वी शुड प्रे टू गॉड ही क्रिएट्स द यूनिवर्स, ही क्रिएट्स द यूनिवर्स, यह पूरा वाक्य किसके लिए बेटा? गॉड के लिए। तो सबसे पहले कर्ता बैलेंस कर लो, ही कौन है? गॉड है, लिख लिया। अब बताइए इसमें लिंकिंग वर्ब, इसमें लिंकिंग वर्ब नहीं है तो पहला फार्मूला फेल, जो इसके पहले पढ़े हो, पहला फार्मूला फेल, तब गाड़ी फंस गई। तो बताया कि वर्ब जिस वाक्य के कर्ता को बैलेंस किया उसकी जो वर्ब है उसके ठीक पहले क्या लगाना था, और उसके ठीक बाद क्या लगाना ऑफ, और उसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? क्रिएट, क्रिएटर बन गया, द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। कहीं कहीं ई आर लगता है, कहीं कहीं ओ आर लगता है, यह आपको अभ्यास करना पड़ेगा नहीं बेटा। तो द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, कर्ता क्या है? गॉड। मेन वाक्य में होगा जहां पे उसी के तुरंत बाद लगा दो, पढ़ो बन गया बेटा। वी शुड प्रे टू गॉड द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, कोई कठिन है क्या? जैसे कहा बेटा We know स्वामी विवेकानंद We know स्वामी विवेकानंद He founded राम किशन मिशन ठीक है, यह वाक्य बेटा।
तो ही फाउंडेड रामकृष्ण मिशन, उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, किन्होंने की? यह पूरा वाक्य किसके लिए फिर? स्वामी विवेकानंद के लिए। तो सबसे पहला काम कर्ता बैलेंस करो, यानी पहचान समझ में, यह पूरा वाक्य किसके लिए? स्वामी विवेकानंद के लिए। तो ही किसके लिए? स्वामी विवेकानंद। अब बताइए इसमें लिंकिंग वर्ब है किसमें? किसी में नहीं है। तो पहला फार्मूला आपका क्या हो गया? फेल हो गया। अब दूसरा लगाइए, जिस वाक्य के कर्ता को बैलेंस किया उसकी जो वर्ब है, उसकी जो, उसके ठीक पहले लगाना क्या? द, बाद लगाना क्या? आप। इसकी फर्स्ट फॉर्म में ईआर, क्या हो जाएगा? फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन, द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन बना, नाम बन गया। इसका कर्ता क्या है? स्वामी विवेकानंद। मेन वाक्य में होगा, जहां पे है उसके तुरंत बाद लगा दीजिए, कभी वाक्य गलत होगा ही नहीं। कॉन्फिडेंस आया? पक्का कर लोगे? बोलो कसम से। वेरी गुड। तो ये हमने आपको बताया नाउन आर क्वेश्चन अपोजिशन के बारे में। अब कोई अभिमतान कैसे आता है? यही द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन कहीं अलग लिखा होगा और एक वाक्य में स्वामी विवेकानंद लिखा होगा, तो अब ये कहां फिट करोगे? स्वामी विवेकानंद के तुरंत बाद वाक्य बनेगा। पक्का? ओके, 6 घंटे मारो, बाकी करो।